नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर, एसएससी फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग मैथ्स के एक टॉपिक्स इंटीग्रेशन, जिसे हिंदी में समाकलन कहते हैं, के सब्स्टिट्यूशन मेथड के पार्ट थ्री, सब्स्टिट्यूशन मेथड के पार्ट तीन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप देख लीजिए, जिसको हमें आज पढ़ना है, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, ये सब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर और करते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन तो हम लोग कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है कि कॉस 2x बट्टा साइन एक्स डी एक्स, इसको आगे तोड़िए, नीचे साइन है तो ऊपर वाले को साइन में तोड़ लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन एक्स डी एक्स डी एक्स। वन बाय साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया कॉस एक एक्स माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स, कॉस एक एक्स का जैसे हम निकालते हैं इंटीग्रेशन, वो आता है लॉग टेन एक्स वाई 2, और ये हो गया 2, और साइन को तो माइनस कॉस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये जो क्वेश्चन है सामने इसका आंसर ये रहा। तो फ्रेंड्स, आंसर तो ज़्यादा हार्ड ना है, सवाल बहुत ईजी है, इसे आप आराम से बना सकते हैं, थोड़ी सी फार्मूला की ज़रूरत है कि सेक एक्स का फार्मूला ये होता है, कॉसेक एक्स का, ये कॉसेक एक्स का फार्मूला है, इसे आप बना सकते हैं आराम से, फार्मूला याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो उसे बार बार देखिए, उम्मीद करते हैं सारी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर फार्मूला है, ये फार्मूला जो है ये कॉस टू एक्स का फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पर साइन में, उसे बना सकते हैं आप। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसमें फ्रेंड्स डायरेक्ट तो ये बनेगा नहीं, इसे मानना पड़ेगा, सबसे इसे मान लेने में फायदा है। इसे मान लीजिए कि पुट ए बराबर आर कॉस थीटा एंड बी बराबर आर साइन थीटा, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर, इसलिए आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इतना हो गया 9। 9 में आ गई डी एक्स बट्टा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ने फ्रेंड्स यहाँ एक्स होगा, ये भी एक्स। आगे बढ़ते हैं, ये डी एक्स, ए की जगह लिखिए
कॉस थीटा साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा कॉस एक्स। यहाँ पर डी एक्स आर कॉमन आ गया, कॉस थीटा साइन एक्स आर साइन थीटा कॉस एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये होगा साइन एक्स प्लस थीटा। इसके बाद यहाँ पर ये बन जाएगा, आर का वैल्यू हम लोग डाल दें या आर कॉन्स्टेंट है इसे हम बाहर कर सकते हैं तो इसे आप बाहर कर लीजिए। ये हो गई साइन एक्स प्लस थीटा। तो फ्रेंड्स ये इतना तक तो हमने आराम से तोड़ा, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लीजिए इसे हम आराम से तोड़ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो इससे आगे हम लोग करते हैं, और यहाँ जो ये लिख दिया हमने इसका हमको जो करना है इंटीग्रेशन, इसमें हम 1/r तो कांस्टेंट है और ये आ जाएगा साइन है तो इसका होगा कॉस एक एक्स प्लस थीटा डी एक्स। ये 1/r का वैल्यू रख दीजिए तो r का वैल्यू था ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, और ये इसका हो जाएगा टेन एक्स प्लस थीटा बाई टू, लेकिन लॉग में ये होगा लॉग में अब प्लस में सी। लॉग में जब होगा तो इसे सीधा रख लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये आगे बढ़िए ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर लॉग टेन, ये जो एक्स है ये तो एक्स ठीक ही है, परंतु फ्रेंड्स जो थीटा है इसके बदले क्या हो सकता है, ये थीटा के बदले क्या हो सकता है, तो देखिए क्या हो सकता है। हम लोग यहाँ तोड़ते हैं, यहाँ पर ये तोड़ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास था वैल्यू वो था ए बराबर आर कॉस थीटा और बी बराबर था हमारे पास आर साइन थीटा। लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इतना के बटा में इतना लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए बाय बी नहीं बी बाय ए करते हैं क्योंकि यहाँ टेन है, तो हमने बी बाय ए किया अर्थात आर साइन थीटा बराबर आर कॉस थीटा किया, आर आर कैंसिल हो गई, बी बाय ए बराबर टेन थीटा आ गई, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बाय ए होगा, जिसको हमें पुट करना है तो टेन इनवर्स बी बाय ए। और प्लस सी यहाँ पर जो डाल दीजिए अपना। तो फ्रेंड्स ये जो रहा हम लोगों का ये जो फाइनल आया है वो आया है 1/a² प्लस बी ए स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस टेन इनवर्स बी बाय ए बाई टू प्लस सी। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोगों का फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स ये सवाल भी बन गया आराम से, इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, ये सवाल ही बहुत ईजी था जो बन गया आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको, समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर ना आए थी वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखिए, दो बार देखिए समझ में जरूर आ जाएगी। ये रहा फ्रेंड्स हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है तीन नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस ए डी एक्स इसका बनाना। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन में आइएगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करें फ्रेंड्स कि एक्स माइनस ए बराबर वाई मान लेते हैं, इसलिए एक्स बराबर क्या होता है कि वाई प्लस ए होता है। और फ्रेंड्स थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन करें तो डी एक्स
बराबर डी वाई भी होगा। तो अब आइए यहाँ पे लिखिए नौ, नौ में है साइन एक्स बट्टा है साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, तो इसका बराबर होगा कि साइन एक्स के बदले साइन वाई प्लस ए साइन वाई डी एक्स के बदले डी वाई। तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन वाई प्लस कॉस ए प्लस कॉस वाई साइन ए बट्टा आ गई साइन वाई, ये हो गया डी वाई। तो फ्रेंड्स आगे देखिए फॉर्मूला, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बट्टा साइन कॉट वाई साइन ए, ये आ गई डी वाई। फ्रेंड्स कॉस तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन होगा वो होगा वाई, और साइन भी बाहर आ गए, कॉट का जो होगा इंटीग्रेशन वो होगा लॉग साइन वाई प्लस में आया सी। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि वाई जो हमने माना था उसका वैल्यू रख देते हैं कॉस ए, और इसका मतलब है एक्स माइनस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो पीछे आएगा कांस्टेंट था, ये आ गई कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये बन गया ये सवाल, इस सवाल में भी कुछ नहीं था। आपने देखा कि जैसे जैसे मैंने तोड़ा कुछ पुट किया और उसके अनुसार जैसे ही मैंने वैल्यू बिठाया उसी के अनुसार ये बन गया। फ्रेंड्स ये यहाँ पर या तो पुट लिख दीजिए या लिख लिखिए या पुट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सवाल आराम आराम से बन जाएगा फ्रेंड्स, इस सवाल को आप बनाइए बढ़िया से देखिए, और जैसे जैसे आप इसे पुट करोगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये फार्मूला जो आती है वो होती है साइन वाई प्लस वाई का साइन वाई प्लस ए का फार्मूला, आपको पता होना चाहिए फार्मूला ये ट्रिगोनोमेट्री से ली गई है, तो इस फार्मूला को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जैसे आगे बढ़ेंगे ये इजी में बन जाएगा और आपका आंसर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर, फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, चलते हैं सॉल्यूशन में। ये देखिए यहाँ पर कि डी एक्स वन प्लस साइन एक्स, आगे बढ़िए डी एक्स वन प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, ये जाएगा रूट टू में। तो जैसे ही इसमें हम आगे जाते हैं ये एक फॉर्मूला है हमारा साइन टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है उस पर इसको जब बैठाते हैं तो वो बन के आता है ऐसा, कैसा रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर इतना का हाफ होगा फ्रेंड्स पाई बाय टू माइनस एक्स अब बट्टा में हो जाएगा टू, तो क्या होगा ये आ जाएगा डी एक्स, ये आ गया रूट टू बाहर में कॉस का स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस, ये हो गया पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। तो फ्रेंड्स क्या होती है कि कॉस में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ एक फार्मूला देख लीजिए कि कॉस प्लस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस आप कॉमन ले लीजिए कॉस एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर, और इसको जब हम ऊपर करेंगे ये आ जाएगा सेक एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर डी एक्स। देखिए फ्रेंड्स सेक का इंटीग्रेशन, असल बाय डिफॉल्ट सेक का इंटीग्रेशन होता नहीं है, और सेक का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक का इंटीग्रेशन जो होगा वो लॉग में आएगा, सेक का इंटीग्रेशन जो है
वह लॉग में आएगा। फ्रेंड्स सेक को बदल दीजिए, ये सेक बदलाएगा। फ्रेंड्स सेक किसमें बदलाएगा वो देख लीजिए, कॉस सेक ये होता है 90 डिग्री प्लस कॉस सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा था। तो पाई बाय टू प्लस एक्स बाय टू माइनस पाई बाय फोर डी एक्स। तो ये हो गया कॉस सेक, इसमें से घटाइए फ्रेंड्स, ये आएगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू डी एक्स। ये जब इसमें हो गया तो अब क्या करना है कि इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो कॉसेक का है वो होगा लॉग टेन, लॉग टेन आएगा और टेन में आएगा इसके बट्टे में टू आ जाएगा, पाई बाय टू प्लस एक्स बाई टू पाई बाय फोर, अब बट्टा में आ जाएगा टू। फ्रेंड्स इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टू आ जाएगा और प्लस में सी होगा। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया टू बाय रूट टू लॉग टेन पाई बाय एट प्लस एक्स बाय फोर प्लस सी, मतलब रूट टू लॉग टेन पाई बाय एट प्लस एक्स बाय फोर प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ये बन गया। और ये सवाल भी शायद आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स आप आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन के सहायता लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, जिसमें है साइन एक्स बट्टा में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें पुट करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन में ही पुट करेंगे। पुट करना है कि एक्स प्लस ए बराबर वाई, और यहाँ आप जानते हैं कि एक्स बराबर वाई माइनस ए, और ये भी जानते हैं कि डी एक्स बराबर डी वाई। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, 9 यहाँ पर है साइन एक्स बट्टा में साइन ए प्लस एक्स डी एक्स, साइन वाई माइनस ए बट्टा में हो जाएगा साइन वाई और ये हो जाएगा डी वाई। इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला लिखिए, साइन वाई कॉस ए माइनस कॉस वाई साइन ए और साइन वाई डी वाई बराबर, साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए माइनस ये हो जाएगा कॉट वाई साइन ए ये हो जाएगा डी वाई। अब देखिए फ्रेंड्स कॉस ए ये तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा वाई और ये बच गया साइन वाई, पहले कांस्टेंट है साइन ए इसको बाहर कर लीजिए, और कॉट वाई का जो आएगा वह इधर देखिए फ्रेंड्स, कॉट वाई का क्या होगा, इसका होगा लॉग साइन वाई प्लस सी, मतलब जो यहाँ पर आया वो है वाई शुरू में डालेंगे तो वाई का वैल्यू मिलेगा वाई कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन वाई प्लस सी, वाई का वैल्यू था एक्स प्लस ए
कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। फ्रेंड्स ये बन गया इसका सवाल पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए ये सवाल भी बन गया और सवाल बहुत ईजी था, शायद फ्रेंड्स आपको समझ में भी आ गया होगा। और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये हो गया 6 नंबर का सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। ये लिखिए यहाँ पर लेट आई बराबर, ये आ गया पुट रूट एक्स बराबर जेड, मतलब आ गया 1/2 √x dx इक्वल टू dz। मतलब आ गई dx बाय रूट एक्स इक्वल टू 2 dz। नौ आई बराबर साइन रूट एक्स dx साइन जेड 2 dz, 2 बाहर साइन जेड dz साइन का होगा माइनस कॉस जेड। आगे आएगा माइनस 2 कॉस जेड का होगा रूट एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फाइनल आंसर इस सवाल का। फ्रेंड्स सवाल बहुत इजी था, सवाल बन गई मात्र एक पुट करना था। फ्रेंड्स अगर आप ये कर लेते हो तो इस प्रकार का सवाल आपसे आराम से बन जाएगा, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी ना छूटेगी और इसका आंसर आप इजी तरीके से दे सकते, इजी वे में दे सकते। देखिए फ्रेंड्स मैंने कितना आसानी से इसको बनाया। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, सवाल ये रहा, ये रहा सवाल, हमने लिख करके आई में डाला, उसे एक पुट किया और फिर डिफ्रेंशिएट किया। जैसे डिफ्रेंशिएट करके लास्ट फाइनल डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैंने अगर फाइनल पुट किया तो ये हमारा आंसर आ गई। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। ये रहा फ्रेंड्स हमारा 7वां सवाल, इसमें कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, ये तो बहुत ईजी है। तो इसमें सबसे पहले एक पुट करने की ज़रूरत है। तो आइए सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट आई बराबर x² + 1 cos x³ + 3x प्लस 2 dx। तो यहाँ पर पुट जेड बराबर x³ + 3x प्लस 2, डिफ्रेंशिएट करिए dz आएगा, ये आ जाएगा 3x² + 3 dx, ये ऐसा आएगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं फ्रेंड्स dz बराबर 3 कॉमन ले सकते हैं, x² + 1 dx कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, dz/3 बराबर x² + 1 dx कर सकते हैं। आगे आप इतना कर सकते हैं कि 9i बराबर इसको शुरू में डाल लेते, इसको बाद में डालेंगे, x³ + 3x + 2 x² + 1 dx। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि इसका मतलब होगा z, इसका मतलब होगा dz/3। तो 1/3 cos z dz, 1/3 इसका होगा sin z प्लस सी। यह आ गया 1/3 साइन x³ + 3x प्लस 2 प्लस सी। ये रहा फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर। सवाल के हिसाब से फ्रेंड्स समय न लगता है, केवल सवाल देखने में लंबा लगता है, पर इसका सॉल्यूशन जो है बहुत आसान है। आपने देखा कि सॉल्यूशन कितना आसान है और कितना कम समय में इसका सॉल्यूशन बनता जा रहा है।
तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सवाल बढ़िया लग रहा है और समझ में अगर कम भी आए कहीं तो उसे दोबारा ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स अच्छा लगने पर अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस प्रकार के सवाल को समझने में सुविधा हो, आसानी हो। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। ये रहा फ्रेंड्स हमारा, तो आते हैं सॉल्यूशन में। लेट आई बराबर कॉट लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स, पुट लॉग एक्स बराबर जेड। डिफरेंसेस करेंगे फ्रेंड्स तो हो गया वन बाई एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। तो फ्रेंड्स नाउ आई बराबर कॉट लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स, डी एक्स बाय एक्स को बदले डी जेड और कॉट जेड डी जेड। इसका होगा फ्रेंड्स लॉग साइन जेड प्लस सी। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप जेड का वैल्यू रख दीजिए लॉग एक्स प्लस सी। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल क्या था और कितना दिख रहा था लंबा, देखिए आंसर कितना आसानी में बन गया। तो फ्रेंड्स सवाल बहुत आसान होती है, हमें मैथ पर ये फोकस करना है कि मैथ बहुत आसान होते हैं। मन से ये दुविधा हटा दें कि हमसे मैथ नहीं बनता, हमें मैथ समझ में नहीं आती। फ्रेंड्स हम हैं तो मैथ से, और अगर हम लोग चाहेंगे तो मैथ्स को आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने चाहत को बढ़ाइए और सवाल को बनाइए, सवाल बनेगा फ्रेंड्स। कोई भी ऐसा सवाल नहीं कि आपसे ना बने, कोई भी सवाल कठिन से कठिन प्रश्न आपसे बन जाएगा, परंतु आप में एक लगन होनी चाहिए कि हमसे सवाल बनेगा। तो अपने लगन को जगाइए फ्रेंड्स और सवाल बनाइए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल पर। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। लेट आई बराबर ई एक्स वन प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ हमें पुट करना होगा तो पुट कर लेते हैं, पुट वाई बराबर एक्स ई एक्स, डिफ्रेंशिएट करिए डी वाई बराबर। तो फ्रेंड्स ये जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ये यू वी पर डिफ्रेंशिएट होगा, यू वी पर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डी एक्स से कट जाएगा और ये बचेगा ई एक्स प्लस एक्स ई एक्स डी एक्स। और फ्रेंड्स डी वाई बराबर ई एक्स कॉमन आ सकता है वन प्लस एक्स डी एक्स। चलिए फ्रेंड्स नाउ आई बराबर ई एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स। यह आ गया फ्रेंड्स इतना के बदले आ गया डी वाई, ये हो गया कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए फ्रेंड्स ये कॉस स्क्वायर वाई मतलब डी वाई, अब पहले क्या होगा ये सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई और सेक स्क्वायर वाई डी ए होता है टेन वाई बराबर हो गई टेन वाई प्लस सी। फ्रेंड्स वाई का था एक्स ई एक्स प्लस सी। ये रहा फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स ये सवाल में भी कुछ नहीं था, सवाल क्या था और यहाँ पर सवाल तो है ही, सवाल में कुछ था ही नहीं। देखिए इस सवाल को आप आराम से बना सकते एक पुट करने के बाद और कुछ फॉर्मूला यूज करके। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई सवाल नहीं कि आप नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सवाल को पहले समझें, फिर क्या करना उसमें, कौन सा चीज़ पुट करना वह पुट करें। ये सवाल अगर समझ में एक बार में ना आए दो बार तीन बार देखिए, बार बार देखिए तो सवाल आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी कि पहले क्या
और बाद में क्या हुई है। तो इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, आप ऐसा करोगे और सवाल को आराम से सीखोगे, हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा अगला सवाल, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में ये फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में लेट आई बराबर एक्स डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, इसमें पुट करना है, पुट जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स, और जब ये आप पुट कर दिए तो फ्रेंड्स इसका डिफ्रेंशिएट करिए, टू जेड डी जेड बराबर टू एक्स डी एक्स, और यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, बच गया जेड डी जेड बराबर एक्स डी एक्स। नो आई बराबर एक्स डी एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बदले हो जाएगा जेड डी जेड और रूट में आएगा जेड स्क्वायर, जेड डी जेड बाई जेड, डी जेड बराबर जेड। फ्रेंड्स ये आ गया आंसर हमारा जेड प्लस सी। इसका वैल्यू रख दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स, था तो कुछ नहीं सवाल में, आंसर भी मिल गया और सवाल हमारा जो है वो तो है ही। ये है हमारा सवाल, देखिए इसका बनाया मैंने और ये सवाल इतना लिया। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बना पाओगे, इस तरह के अगले सवाल को बना पाओगे, क्योंकि फ्रेंड्स सवाल तो ईजी है, केवल आपको थोड़ी सी दिमाग यूज करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी फ्रेंड्स, थोड़ी सी। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन है, लेट आई बराबर टू एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको डाल दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पुट जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आगे बढ़िए, इसमें डिफ्रेंशिएट करिएगा इसका, तो होगा टू जेड डी जेड, क्या होगा टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स। फ्रेंड्स ये आया यहाँ पर नौ आई बराबर टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ क्या करना है, हमें इतना यहाँ पर इतना का मान रखना है जो यहाँ है, इतना का मान क्या होगा टू जेड डी जेड, नीचे आएगा हमारा रूट अंडर जेड स्क्वायर। तो यहाँ जो ये आएगा तो ये बाहर हो जाएगा, जेड डी जेड इधर आएगा और इधर ये जेड हो जाएगा, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगी, जेड से जेड कैंसिल, डी जेड बराबर टू जेड प्लस सी बराबर टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, ये भी इजी था, कुछ हार्ड ना था, तो ये भी आपसे बन जाता आराम से। थोड़ा सा देखिए इसमें कुछ है नहीं, सवाल बेहतर तरीके से बना है, बहुत ही आसान है, आप भी इसे आसानी से बना सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ी सी ज़रूरत है फार्मूला की, थोड़ी सी कंसेप्ट की। फ्रेंड्स कंसेप्ट यूज करिए और फार्मूला लगाइए, सवाल बन जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो ये सवाल दी गई है
पहले आते हैं सॉल्यूशन में। लेट आई बराबर ई साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स पुट करना होगा, पुट करें तो फ्रेंड्स कि साइन एक्स बराबर टी, तो ये क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। नो आई बराबर ई साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स ई के पावर टी आई इतना के बदले डी टी। तो फ्रेंड्स ये जो आएगा वो आएगा ई टी प्लस सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, ई के पावर साइन एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों का आंसर। और देखिए ये था सवाल, यहाँ जो सॉल्यूशन का टर्म हमने यहाँ पर लिखा है बराबर, ये था हमारा सवाल जिसका आंसर देखिए क्या मिला हमें। हमारा आंसर इतना इजी था, इतना आसान था आंसर, आंसर तक पहुँचा दिया, सवाल बहुत छोटा था। फ्रेंड्स सवाल को हम बहुत तरीके से बना सकते, बहुत इजी तरीके से बना सकते। हाँ यहाँ पर हम कॉस को भी मानते तो बन सकता था, पर बनने में कठिनाई इसलिए थी क्योंकि पावर का मान हम नहीं रख सकते थे, डी एक्स के साथ हमें पावर रखना था तो पावर का मान नहीं रखा जा सकता था। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रहे कि हम कॉस को टी नहीं मान सकते, हमेशा हमें ये पावर वाले को ही मानना पड़े ऐसे केस में। चलते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, तो आते हैं सॉल्यूशन में, लिखते हैं लेट आई बराबर वन बाय एक्स रूट वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो वन प्लस लॉग एक्स बराबर टी पुट करिए। जैसे इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यह आएगा जीरो, यह आएगा लॉग एक्स का वन बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स बाई एक्स बराबर डी टी। नाउ आई बराबर वन बाय एक्स वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स बराबर आ गया, उतना के बदले तो डी टी आएगा, इतना के बदले ये आएगा। ये फ्रेंड्स इसमें तो कुछ है नहीं, इसे हम रूट को बदल देंगे पावर में, फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे और रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसे बनाने का एक तरीका यहाँ भी है। ठीक है पावर वन बाय टू माइनस में डी टी। क्या हो फ्रेंड्स माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी। ठीक है पावर वन बाय टू और वन बाय टू प्लस सी बराबर टू रूट टी प्लस सी बराबर टू वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी। फ्रेंड्स ये रहा हमारा फाइनल आंसर। फ्रेंड्स देखिए सवाल क्या है और जो आंसर आया है वो कैसा आया है, इसे बनाने के लिए हमने क्या किया। इसे बनाने के लिए मैंने मात्र एक टर्म्स यूज़ किया जो रूट के अंदर में था, उसे मैंने पुट किया। तो ये ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स अकेला लॉग एक्स को आप नहीं पुट कर सकते, अगर अकेला लॉग एक्स को पुट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगी इतना, लेकिन फ्रेंड्स फिर ये आने में कठिनाई होगी, आपका ये आंसर आने में कठिनाई होगा। इसे जब भी रखेंगे तो कांस्टेंट के साथ रूट अंडर में जो भी होगा उस पूरा को ही रखेंगे। ये रहा आंसर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तो इसे हम बना सकते हैं कैसे वो देखिए किसको पुट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले सॉल्यूशन में आते हैं,
लेट आई बराबर साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पर फ्रेंड्स पुट कर लीजिए नीचे वाले को, वन प्लस कॉस एक्स बराबर टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो इसका होगा साइन एक्स और डी एक्स ये आएगा बराबर डी टी। ये माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। नो आई बराबर साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन एक्स टी एक्स के बदले माइनस डी टी, इसके बदले टी स्क्वायर माइनस टी के पावर माइनस टू डी टी। क्या होगा इसका कि टी के पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस सी, अरे टी के पावर माइनस वन माइनस वन प्लस सी, ये आ गया वन बाय टी प्लस सी, आ जाएगा वन प्लस कॉस एक्स प्लस। फ्रेंड्स ये रहा इजी आंसर, फ्रेंड्स ये तो इजी ही आंसर है। क्या था आंसर में? कुछ नहीं था, जो मैंने पुट किया वो पाया। और इसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया कि पावर में जो प्लस होती है, जो पावर बन के आती है वन प्लस होकर, उसी पावर से डिवाइड कर देना है, उससे डिवाइड कर दिया तो हमें इतना मिला। और टी का वैल्यू अंत में बैठा दीजिए, ये आंसर आ गई। आंसर लाने में क्या है, आंसर तो कुछ नहीं है। फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आते हैं सॉल्यूशन में। लेट आई बराबर टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, जीरो प्लस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। नो आई बराबर टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना के बदले डी टी, इतना के बदले टी, मतलब ये वन बाय टी डी टी हो गया। तो इसका मतलब होगा कि लॉग टी प्लस सी। तो फ्रेंड्स अब टी का वैल्यू बैठा दीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फ्रेंड्स ये रहा आंसर, आंसर बन गया। तो इसमें एक चीज़ें हैं कि फॉर्मूला और प्रोसेस, अगर आप दो चीज़ सही से यूज कर रहे हैं तो आंसर सही सलामत आ सकता है। फ्रेंड्स हम यहाँ जानते थे कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो टू एक्स आ जाएगा, लेकिन फिर वन बच जाएगी जिसका डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए वन सही मान लो, या वन का, क्योंकि वन का तो जीरो हो जाता है, कॉन्स्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, बचेगा तो उतना ही, हमें वन का झंझट ही ले चीज़ खत्म हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले में क्वेश्चन, आते इसके सॉल्यूशन। लेट आई बराबर लॉग एक्स का स्क्वायर बट्टा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर पुट करिए टी बराबर लॉग एक्स डी टी बराबर वन बाय एक्स डी एक्स। नो आई बराबर लॉग एक्स का स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, हो जाएगा टी प्लस टी का स्क्वायर प्लस वन टू प्लस वन डी प्लस सी।
ये हो जाएगा 3 1/3 टी के पावर 3 प्लस सी, 1/3 लॉग एक्स, इसका हो जाएगा क्यू प्लस सी। ये रहा फ्रेंड्स हमारा आंसर, आंसर तो आ गया। देखिए सवाल कितना है जीता है, यही तो सवाल था यहीं पर जो 9 आए हैं और ये इसका आंसर मिल गया। तो आंसर तो आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसे आराम से बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं, आसान तरीका है इसे बनाने का, परंतु हाँ थोड़ा सा प्रोसेस आवश्यक है, प्रोसेस और फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो दिक्कत है। इसमें जो फॉर्मूला हमने प्रयोग किया है वो ये है, डी लॉग एक्स डी एक्स बराबर 1/x, इस फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है। तो अगला फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आते हैं सॉल्यूशन पर। लेट आई बराबर 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, यहाँ क्या हो फ्रेंड्स कि कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, पुट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, इसका जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो हो जाएगा 1/x डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि इसका तो 0 ही हो जाएगा, इसका 0 और इसका 1/x है डी एक्स हो गया। नो आई बराबर 1/x 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ये फ्रेंड्स इसके बदले आ गया डी टी और इसके बदले आ गया टी, जिसका होता है लॉग टी प्लस सी। तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखने से ये आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये रहा इसका फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर ये रहा। फ्रेंड सवाल देखिए और इसका आंसर देखिए, हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ा, सब था, ज़्यादा कुछ हार्ड ना था, एक फार्मूला है केवल लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगर आपको आता है तो सवाल बहुत ईजी है, तो सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आइए देखिए सॉल्यूशन। लेट आई बराबर साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स, पुट कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, अर्थात साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। नो आई बराबर साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स के बदले में माइनस डी टी होगा, इसका हो जाएगा साइन टी, हम माइनस जो यूज करेंगे तो माइनस हम पहले ले लेते हैं और डी टी, तो माइनस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन का तो माइनस कॉस टी प्लस सी, ये आ गया कॉस टी प्लस सी, कॉस कॉस टी प्लस कॉस टी के बदले कॉस एक्स प्लस सी, ये रहा फ्रेंड्स इसका आंसर। आंसर तो बहुत आसान है कि कुछ ना ही करना पड़ता फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक है कि पुट करना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा कि पुट किसे करें तो आंसर तक पहुंच जाए, ये आपको थोड़ा सोचना होगा। देखिए यहाँ हम साइन एक्स को पुट कर सकते थे, फिर कॉस एक्स है कहाँ डी एक्स के साथ अंदर में है, इसलिए अंदर वाले को पुट करिए कि ये वाला इसके साथ निकल जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आते इसके सॉल्यूशन पर। लेट आई बराबर डी एक्स अंडर एक्स माइनस रूट एक्स
इसमें फ्रेंड्स पुट कर लीजिए, एक्स बराबर टी स्क्वायर क्या होगा कि डी एक्स बराबर टू टी डी टी, आ जाइए नौ आई बराबर डी एक्स एक्स माइनस रूट एक्स। तो आप पुट कर सकते हैं डी एक्स बदले टू टी डी टी, इसके बदले एक्स के बदले टी स्क्वायर माइनस टी, ये टू बाहर टी डी टी, टी नीचे से बाहर टी माइनस वन टी टी खत्म, टू बाहर डी टी टी माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन टू लॉग टी माइनस वन प्लस सी, इसको पुट कर लीजिए टू लॉग टी मतलब रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। ये रहा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर, सवाल में कुछ था कहाँ फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी बन गया, सवाल में थोड़ी सी भी जान नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा प्रोसेस आता है तो सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल बहुत इजी है, सवाल आराम आराम से बन रही है। फ्रेंड्स अगर सवाल अच्छा लगा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा जिससे इस तरह के आगे आने वाले सवाल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलते फ्रेंड्स अगले सवाल, चलिए फ्रेंड्स देखिए ये सवाल रहा हमारा अगला, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। लेट आई बराबर एक्स क्यू माइनस वन होल के पावर वन बाय थ्री एक्स के पावर फाइव डी एक्स, इतना तो आ गया फ्रेंड्स। अब इसमें पहले पुट करने का, तो क्या पुट करना है वो देखिए, पुट एक्स क्यू माइनस वन बराबर टी। अब भाई यहाँ से जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ से एक्स क्यू बराबर टी प्लस वन, नौ आई बराबर एक्स क्यू माइनस वन वन बाई थ्री एक्स क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई थ्री, यहाँ जाइए इतना के बदले टी वन बाई थ्री, टी क्यू के बदले टी प्लस वन, और इतना के बदले डी टी बाई थ्री, तो वन बाई थ्री इसको गुणा कर लीजिए तो वन प्लस होगा इसमें, तो टी के पावर चार बट्टा तीन प्लस टी के पावर वन बट्टा तीन, ये हो गया डी टी। इसका करना इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर फिर बढ़ जाएगी, पावर एक बढ़ेगा, पावर जो बढ़े हुए हैं उससे भाग पड़ेगा, यहाँ देखिए वन बाय थ्री ये आ गया टी के पावर सेवन बाय थ्री, ये हो गया सेवन बाय थ्री, टी के पावर फोर बाय थ्री ये आ गया फोर बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री, थ्री बाय सेवन टी सेवन बाय थ्री प्लस थ्री बाय फोर टी फोर बाई थ्री प्लस सी। सर फ्रेंड दोनों तरफ से तीन कॉमन लेते कट जाएगा तो इसलिए बच गया वन बाई सेवन टी सेवन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर टी फोर बाई थ्री प्लस सी। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स वन बाय सेवन टी हमने जिसको माना था उसका वैल्यू तो डालना पड़ेगा, एक्स क्यू माइनस वन सेवन बाई थ्री
प्लस वन बाय फोर एक्स क्यू माइनस वन फोर बाय थ्री प्लस सी। और हम फ्रेंड्स यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं, ये आंसर को हम और आगे भी ले जा सकते हैं, तो यही पर छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये इस प्रकार ये सवाल बन गई। तो इस सवाल में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, क्या करना तो आप देख रहे हैं, वो आपने देख लीजिए क्या करना है, ज़्यादा कुछ क्या करना है, क्या पुट करना है, कैसे कैसे करना है, सवाल को देख लीजिए और इसे बनाने का प्रयास करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए, सवाल आराम से बन जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या करना है कि इसके सॉल्यूशन में ये है, लेट आई बराबर लिखिए ए के पावर टू एक्स माइनस वन ए के पावर टू एक्स प्लस वन डी एक्स। तो फ्रेंड्स इसको तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े ये सवाल बनेगा नहीं, इसे तोड़ दीजिए और सवाल देखिए कितना आराम से बन रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं, कैसे तोड़ना है वो देखिए, ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस वन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। इसमें क्या करना है कि ई के पावर एक्स कॉमन ले लेना है, ई के पावर एक्स माइनस वन बाई ई एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स प्लस वन बाई ई एक्स, ये हो गया डी एक्स। इसमें क्या है कि ई एक्स ई एक्स कट जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। और जैसे ही यहाँ पर ये हम करते हैं, ये वाला मान हमारे पास आता है, हम इसे आगे बढ़ते हैं, पुट करते हैं और डायरेक्ट कर लेते हैं। तो करिए पुट ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएट करिए ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। नौ आई बराबर के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। ऊपर वाले के बदला डी टी रखिए, नीचे वाले के बदला टी रखिए, आएगा लॉग टी प्लस सी बराबर हो गया लॉग ई एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया प्रूव्ड। फ्रेंड्स ये सवाल भी बन गया और इस सवाल में देखिए सवाल में कुछ है ही नहीं, और सवाल लग रहा था थोड़ा सा भारी है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा प्रोसेस करा ये सवाल बहुत आराम से बन गया। फ्रेंड्स इसी प्रकार आप भी सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे और सवाल आपसे ही बनेगा, लेकिन बनाओगे तब बनेगा, इसलिए फ्रेंड्स प्रयास करो और अपने मुकाम तक पहुँचो। चलते हैं अगला और इस पार्ट का अंतिम सवाल पर। फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों के आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट आई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, जैसे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। नौ आई बराबर साइन इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना का मतलब है डी टी, इतना का मतलब डी टी और इसका मतलब टी, तो क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, आगे वैल्यू वन बाई टू और टी का मतलब साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी। फ्रेंड्स
ये रहा हमारा अंतिम आंसर सवाल का। तो फ्रेंड्स जो ये था हमारे लोगों का ये पार्ट थर्ड था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो ये पार्ट थ्री था ये समाप्त होता है। आज की क्लास को हम इतने पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।